चौरी चौरा पुलिस ने चोरी के आरोप में एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को तरकुलहा माता मंदिर के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आकाश पासवान पुत्र विनोद पासवान निवासी महिया थाना जगह जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी का टैबलेट, दो मोबाइल, 120 रुपए नगद बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि 11 फरवरी की रात्रि में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक राधोपुर की सेधमारी कर चोरी हुई थी, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में स्वाट टीम प्रभारी प्रदीप शर्मा, सर्विलांस सेल के उपनिरीक्षक धीरेन्द्र राय, चौरी चौरा उपनिरीक्षक विनय कुमार, मदन मोहन मिश्र, कांस्टेबल पिंटू कुमार, हेड कांस्टेबल अरुण खरवार, करुणापति तिवारी, दुर्गेश मिश्रा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, बटे 12 की रात में एक फिनकेयर फाइनेंस बैंक में एक घटना घटी थी नकबजनी की। उसमें मुकदमा अपराध संख्या 52/22 पंजीकृत किया गया था, धारा 457, 380, 411 आईपीसी के अंतर्गत थाना चौरी चौरा में। अभी मुखबिर की सूचना पे आज तरकुला माता मंदिर के गेट के पास हाईवे के किनारे से आकाश पासवान को इसमें गिरफ्तार किया गया है। उसकी उम्र 19 वर्ष है। उसके पास से एक अदद टैबलेट चोरी की गई, दो अदद मोबाइल और कुल 120 रुपये बरामद किए गए हैं। उसे पूछताछ की गई है और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो फुटेज है उसमें ये फुटेज में ऐसा रहा है कि लड़की का भेस बन के आया था ये। मतलब अगर आप फुटेज देखेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि किसी लड़की ने ये घटना कारित की है और पूरा मुँह उसने ढका हुआ था। तो इसको सर्विलांस की मदद से ट्रेस किया गया था और बाद में मुखबिर की सूचना पर यह पता चला कि यहीं पर है, तो इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। नहीं, इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ये पहला अपराधी है इसका।